हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की कृषि एवं खनिजों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके सीजीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ऐप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इस ऐप का नाम है एनालाइजर ऐप। यह ऐप आपके सीजीपीएससी एग्जाम के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज विथ हाई क्वालिटी में प्रोवाइड करती है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसके टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्नों के आंसर फुल डिस्क्रिप्शन के साथ दिए हुए हैं। पिछले बार हुए सीजीपीएससी के एग्जाम में इसे 32 क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछे गए थे और सीएमओ के एग्जाम में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। सो गाइस, एग्जाम के कट आपको देखते हुए यह ऐप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और इस ऐप में इंग्लिश लैंग्वेज में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी गई है और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो जाइए, इस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छत्तीसगढ़ में खनिज विकास निगम है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2001 में। ओके, 7 जून 2001 को की गई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है ये भी याद रखेंगे, इसका मुख्यालय स्थित है रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कितने परियोजनाएँ चल रही है। क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं चल रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 5। कितनी परियोजना चल रही है, टोटल 5। ओके, कौन कौन सी परियोजना है, देखिए कोयला, लौह अयस्क, बक्साइट, कोरेंडम तथा उत्पादन के लिए चलाई जा रही है प्रमुख परियोजनाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में खनिज संस्थान न्यास किसका गठन किया गया है, न्यास का गठन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27। लगभग छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। ओके, इसका न्यास का गठन 22 दिसंबर 2015 से किया गया था, यह भी याद रखेंगे। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है। क्या है, यह एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था, 2015 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोयला भंडारण का लगभग 80% किन चार राज्यों में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में कोयला भंडारण का लगभग 80% किन चार राज्यों में है घटते क्रम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड, फिर उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और लास्ट में पश्चिम बंगाल। इन चार राज्यों में भारत में कोयला भंडारण का लगभग 80% यहीं पे क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के संपूर्ण लौह अयस्क संग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा भाग इस राज्य में उपलब्ध है। कौन सा भाग छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध है, देश के संपूर्ण लौह अयस्क संग्रह में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां भाग। लगभग 5वां भाग देश के संपूर्ण लौह अयस्क संग्रह में छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओके, क्या है इसमें, भारत के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 19.59% छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यह भी याद रखेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लामन लौह अयस्क संकुल इनमें से किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, एक लामन लौह अयस्क संकुल इनमें से किस जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीरधाम। कौन से जिले में स्थित है, कबीरधाम जिले में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनांदगांव के बाघ नदी क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, राजनांदगांव के बाघ नदी क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा खनिज, चांदी। चांदी खनिज बाघ नदी क्षेत्र में पाए जाने के संकेत मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में स्थित कुर्सिया पहाड़ी किस लिए विशेष प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग में स्थित है, याद रखेंगे सरगुजा संभाग में। कौन सी पहाड़ी, कुर्सिया पहाड़ी, किस लिए विशेष प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा खनिज कांकेर जिला में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज कांकेर जिला में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। ओके, कांकेर जिले में हीरे के अवक्षेप नहीं मिले हैं। कांकेर जिले के रावा घाट, चारगांव, मेटा बोदली आदि क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए तथा तारांदुल और कुमका गुरुम क्षेत्र बक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ हीरे के अवक्षेप नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क के संचित भंडारों की मात्रा के घटते क्रम में लौह अयस्क क्षेत्रों की
निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सी सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी लॉ एस्क के भंडारण के क्षेत्र हैं उनके क्या ग्रुप दे दिए गए हैं, और इसमें बोला गया है कौन से क्रम घटते क्रम में स्थित है या व्यवस्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सी, देखिए सबसे पहले लॉ एस्क के संचित भंडारों में सबसे अधिक मात्रा है बेलाडीला, फिर उसके बाद रावघाट, एकलामा और लास्ट में दल्लीराजहरा। यह ग्रुप क्या है, सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला को किस स्थान पर स्थापित किया गया है, क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी प्रशिक्षण प्रयोगशाला को किस स्थान पर स्थापित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायपुर में। रायपुर में किस कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान प्रजाति विकसित करने वाला कृषि वैज्ञानिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान की प्रजाति को विकसित करने वाला कौन सा कृषि वैज्ञानिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एच आर रिछरिया। ओके डॉक्टर एच आर रिछरिया छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान की प्रजाति को विकसित करने के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है, निम्न में से बोला गया है। ओके छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि इन चारों में से किस जिले में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी कोरिया जिले में। देखते हैं इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में कोरिया जिले में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, जबकि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले में सबसे कम कृषि योग्य भूमि स्थित है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी भूमि जिसमें फसलें उगाई जाती है तथा दो फसली क्षेत्र को एक ही बार गिना जाता है कहलाता है, क्या बोला गया है। देखिए ऐसी भूमि जिसमें फसलें उगाई जाती है तथा दो फसली क्षेत्र को एक ही बार गिना जाता है क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरा बोया गया क्षेत्र। ओके नाम याद रखेंगे, नीरा बोया गया क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें दो फसली क्षेत्र को एक ही बार गिना जाता है। ओके इसमें दो फसली क्षेत्र को एक ही बार गिना जाता है जिसे बोलते हैं नीरा बोया गया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जानते हैं, क्या बोला गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए विभिन्न जनजातियों में स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग नाम दिया गया है, इन सभी को नाम याद रखेंगे, इनमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए बस्तर के क्षेत्र में स्थानांतरणशील कृषि को पेद्दा के नाम से जाना जाता है, यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कथन और कारण, तो इसमें से कथन देख लेते हैं। देखिए कथन क्या है, छत्तीसगढ़ की कृषि मानसून पर निर्भर करती है, यह सही है। कारण देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा नहीं है, यह गलत है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन सत्य है और कारण क्या है, गलत है। इस प्रकार कथन और कारण वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, इनसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने कृषि उपज मंडियों को तीन चरणों में एक राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है। छत्तीसगढ़ के कितने कृषि उपज मंडियों को तीन चरणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है, ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए छत्तीसगढ़ के 14 नियमित कृषि उपज मंडियों को तीन चरणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ दिया गया है, कितने को, नंबर याद रखेंगे 14 कृषि मंडियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस विकास खंड में सर्वाधिक टमाटर की खेती होती है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किस विकास खंड में बोला गया है सर्वाधिक टमाटर की खेती होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्थलगांव, जो कि जसपुर में स्थित है। ओके छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पत्थलगांव विकास खंड में लुड़ेंग नामक स्थान पर टमाटर उत्पादन के लिए विख्यात है, यह प्रदेश का सर्वाधिक टमाटर उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, पत्थलगांव जसपुर। अत्यधिक टमाटर उत्पादन के कारण प्रदेश की टमाटर राजधानी भी कहा जाता है इसे, जसपुर के पत्थलगांव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2011-12 में तिलहनों का उत्पादन क्या था, क्या बोला गया है। छत्तीसगढ़ में 2011-12 में तिलहनों का उत्पादन क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 178,000 मेट्रिक टन, 178,000 मेट्रिक टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्र अधिक है, निम्न में से किस जिले में बोए जाने वाला क्षेत्र सबसे अधिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनांदगांव में। निम्न की तुलना में राजनांदगांव में
बोया जाने वाला क्षेत्र सबसे अधिक है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरे पिछले एक महीने के सभी वीडियोस के PDF फाइल विथ आंसर की के साथ एक साथ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके 99 रुपीज़ में पा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।